रविवार की देर रात आसनसोल के भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर गोली चलाई गई। हालांकि इस घटना में वे बाल बाल बच गए। इस घटना के प्रतिवाद में भाजपा द्वारा सोमवार को हीरापुर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हमारा पश्चिम बंगाल में भाजपा जब आगे बढ़ रहा है, तृणमूल का आतंक होके हमारा कर्मी का आक्रमण कर रहा है। हमारा दुर्गापुर में संदीप घोष को गोली कर हत्या किया। हमारा सौरभ सभी घर के उठा के लेकर उसको फेंक दिया, जंगल में फेंक दिया। हमारे बाबुल सुप्रियो के पाथर में आघात किया। हमारा पंचायत चुनाव में एसडीओ के सामने छुरी के आघात किया। तो सारा पश्चिम बंगाल का दिलीप घोष का 15-20 बार गाड़ी का हमला हुआ, एक ही कारण है, जनगण उसका विच्छिन्न हो रहा, इसीलिए हमारा ऊपर आक्रमण कर रहा है, गोली कर रहा है, हत्या कर रहा है किमिला के लेकर, क्योंकि तृणमूल के साथ जनगण नहीं है, इसीलिए चमका के भय देकर गोली करके हमको अटकाना कोशिश कर रहा है। एक कोशिश नहीं होंगे। प्रथम आम घटना तीव्र निंदा करवांचित घटना, ये घटना हवा उचित ना, जदि ये एक विक्षिप्त घटना। एन मुहूर्ते घटनाटा कारा करा जानलें तृणमूल कर अत्यंत दायित्व नहीं बोलिए हमारे शिल्पांचले शिल्पांचले को बाहुबली को माफिया तृणमूल संगे अतिथे छो ना आज नहीं आगामी दिनों थकबेना निर्वाचने जितते गले को बाहुबली के दरकार है को माफिया के दरकार है हमारे मीटिंग मिचिले अपना लक्ष्य को सुस्पष्ट भावे को बाहुबल भूमिका बाहुबल से उपस्थित से क्यों थके ना